गठबंधन के टूटने का एक कारण बना कि जब सब काम मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, अनावश्यक श्रेय क्रेडिट लेने की जो होड़ चली, जब नियुक्ति हो रही थी तो ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा मंत्री थे जरूर, लेकिन नियुक्ति तब संभव हो पाई जब ये दफ्तर जाना भी छोड़ दिए, तभी नियुक्ति हो पाई। जब तक जाते रहे तब तक नियुक्ति में अड़चने आती रही। शिक्षा मंत्री के रूप में अब हम कुछ तो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन खामखा उन्होंने मुंह में उंगली डाल के बार बार मेरा नाम लेके बीपीएससी से नियुक्ति की बात का जो ये श्रेय लेना चाहते हैं, महोदय हम आज आसन के माध्यम से सदन को और बिहार की जनता को पूरे जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं महोदय। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में था, ताज्जुब हो रहा था कि जब डॉक्टर चंद्रशेखर जी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये बहाली हमने की, महोदय यही आप मुख्यमंत्री जी भी ने भी बराबर बताया है, यही तो गठबंधन के टूटने का एक कारण बना कि जब सब काम मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, अनावश्यक श्रेय क्रेडिट लेने की जो होड़ चली, ये कौन नहीं जानता है कि नियुक्तियां किसके समय में हुई थी। और हम लोग एनडीए में थे महोदय, एनडीए की जब हुकूमत बनी थी 2005-06 में तो 4 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, ये कौन भूल जाता है महोदय। इनसे पहले मैं शिक्षा मंत्री का प्रभार, मतलब शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था, उस समय लगभग 50,000 नियुक्तियां हुई थी। और बीपीएससी से नियुक्ति की बात का जो ये श्रेय लेना चाहते हैं महोदय, हम आज आसन के माध्यम से सदन को और बिहार की जनता को पूरे जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा लेने का निर्णय इनके शिक्षा मंत्री बनने से बहुत पहले लिया जा चुका था, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो, जब मैं शिक्षा मंत्री था उसी का निर्णय था, और वो सब कुछ हो चुका था। इसीलिए इनको पता है कि जो 7वें चरण की नियुक्तियां थी जिसमें 1 लाख से अधिक नियुक्ति होने वाली थी, उसको हमने ही रोका था कि बीपीएससी से एग्जाम लेके योग्य शिक्षक, प्रतिभावान शिक्षक की हम नियुक्ति करेंगे, इसलिए हमने रोका था, इसीलिए 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, और हम ही लोगों ने रोक के बीपीएससी का से बहाली का नियुक्तियां किया था। और ये कह रहे थे, अपना तिथि गिना रहे थे, महोदय हमने तो उससे इनकार नहीं किया कि जब नियुक्ति हो रही थी तो ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा मंत्री थे जरूर, लेकिन नियुक्ति तब संभव हो पाई जब ये दफ्तर जाना भी छोड़ दिए, तभी नियुक्ति हो पाई। जब तक जाते रहे तब तक नियुक्ति में अड़चने आती रही। इसलिए महोदय ये सब लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के रूप में अब हम कुछ तो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन खामखा उन्होंने मुंह में उंगली डाल के बार बार मेरा नाम लेके, मुख्यमंत्री जी का नाम लेके, और महोदय यह मैं आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को बिल्कुल स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी से शिक्षकों के, प्रतिभावान या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के परामर्श पर उस समय शिक्षा विभाग लिया था जब शिक्षा विभाग का प्रभारी मैं था। इनके समय में तो सिर्फ अधिसूचना जारी हुई थी महोदय। इसलिए ये अरे तथ्य है। इन सब चीजों के आलोक में महोदय, अब ये लोग तो है नहीं, लेकिन जो कटौती का प्रस्ताव दिया है जिन्होंने, हम उनसे आग्रह करते हैं कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले ले। और महोदय जो शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और संसदीय कार्य विभाग से भी जुड़े जो प्रतिवेदन है या जो मेरा वक्तव्य है, उसको कार्रवाई का हिस्सा बनाने का आप दे दिया नियमन दें, ये उस पर बने। और इसके साथ मैं अपील करता हूं, है नहीं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लें। ये सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग, बिहार में किसानों के हित में सिंचाई संसाधनों की बढ़ोतरी में हम
पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे मांग की स्वीकृति दे। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।